अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए, जितने लोग जुड़ रखे हैं सभी का स्वागत है, और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। आप लोग कमेंट करते रहें, और ये इस वीक का लास्ट लाइव रहेगा, इसके बाद सीधे मिलेंगे आप सभी से संडे को, नेक्स्ट संडे को। हाँ, आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो, हाँ टॉपिक्स कर सकते हैं आप लोग सब। सर आप क्लास लीजिए, बैच लाइए एक SSC मैथ का। अभी तो मैं CBSE बोर्ड वाले बच्चों को ही देख रहा हूँ, अब उतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए उन बच्चों का भी देख नहीं पा रहा ना। N1G SSC वालों को बिल्कुल ज़रूर लाएंगे, टाइम मिले तो ज़रा यार। अभी SSC सीजन वालों को देख रहे ना। पिनाके ले लो ब्रो, ये पिनाके क्या है, क्या लिखा है भाई आपने, जोकी से क्या हो गया, मैसेज को डिलीट कर रहे हो, मैसेज डिलीट नहीं करते हैं बिकॉज मैसेज दिखता है ना मुझे। बुक का नाम है, कोई एक ही बुक फॉलो करो, मेरी मेरा सजेशन है कि कोई सी बुक को फॉलो करो बट एक ही बुक, ठीक है, चाहे कोई सा भी है। अपने टॉपिक्स कवर करते जाओ, मेन चीज़ ही है, टॉपिक कवर करते जाओगे सबसे बड़ा फ़ायदा उसी में रहेगा आपका। चलिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, आप लोग लाइव भी कर देना। अब इस लाइव को मात्र 2-3 मिनट पे एंड करने जा रहे हैं, काफ़ी देर हो चुका है ना। चलिए, आप लोग जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत ही मज़ा आया। लास्ट कोई और क्वेश्चन आप सभी का हो तो आप लोग लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मैं आपसे कमेंट्स को देख लूँगा। मैं भी आदित्य रंजन से पढ़ता हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। चलिए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। सर पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे करें बताइए ताकि याद रह जाए। आपने किसी का बैच ले रखा है क्या, कोई एनीवन जी, आपने किसी का कोई बैच ले रखा है क्या। आपके कुछ टॉपिक पढ़ लेता हूँ, अच्छा मेरे कुछ टॉपिक देख लेते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं पूरा करवाता नहीं हूँ, बस कुछ टॉपिक्स कवर आते हैं जो कि क्लास 10 से लेकर 6th में होते हैं, तो वो काम आ जाते हैं। मैं अपने वीडियोस में कहता भी हूँ कि SSC सीजन को भी काम आ जाएगा। नहीं सर, मैं ऑनलाइन अड्डा से पढ़ता हूँ। अच्छा जी, बेस्ट है यार, कहीं से पढ़ो, बस पढ़ना है, ठीक है, बहुत लोग हैं पढ़ाने के लिए। रिविज़न का बस एक ही टॉपिक तरीका है मैथ में, और सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, मैथ में एक ही तरीका है कि आप जो टॉपिक वाइज है ना कवर करते चलो, और उनके ऊपर जो भी टॉपिक कवर करते चल रहे हो उसके बाद प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका वो जो टॉपिक रहेगा स्ट्रांग बन जाएगा, वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। बेसिकली मेन चीज़ ये है, बस मेन फंडा यही है मैथ में। एक चीज़ है कि आप रट्टे नहीं मार पाओगे मैथ में, ठीक है। कितनी बार बनाए एक बुक को, देखो पहली बात तो ये है कि एक बुक को पहले आप एक बार कंप्लीट करो, ठीक है। अगर एक बार हो जाता है फिर दोबारा इसको, वैसे मुश्किल देखा जाता है कि बच्चे एक बार ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यूजली ऐसा होता है। अगर आप दो बार कर लेते हो तो वेल डन है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। शिखा शर्मा गए क्या, पता नहीं, दो बार कर लो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल। दो बार कर लो और बिल्कुल टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। और मैथ में एक चीज़ है कि मैं जो आपको टिप्स देना चाहता हूँ, कि थोड़ा टिप्स कह लो कुछ भी कह लो, कि मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। मेन चीज़ है प्रैक्टिस ज़्यादा करो बस, जितनी कॉपियाँ भरोगे उतना ही मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ सर, जितना मैथ्स में कॉपियाँ भरोगे उतना आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, मेन चीज़ है। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। इस लाइव को मैं भी जा रहा हूँ एंड करने थोड़ी देर में, और आप लोग हमारे लाइव में जुड़े, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट संडे को, तो इस लाइव को करते हैं एंड, फिर सभी लोग गुड नाइट लिख दो जल्दी से, एंड करते हैं फिर इस लाइव को, ठीक है, जल्दी से फटाफट। थैंक यू भैया, थैंक यू खुशी जी। चलिए सभी को जय श्री राम, और आप लोग जाकर आदित्य श्रीवास्तव ब्लॉग्स पर डेली ब्लॉग्स भी देखा करो, और डिफरेंट चैनल आपके लिए मैंने खोल रखा है, आदित्य बोर्ड हो गया, एक्सप्लेन बाय आदित्य श्रीवास्तव हो गया, तो वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए।